भव सागर काती, अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पी, चीर चीर कर चिर लखो अंतर की तस्वीर। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महा मुनिराज की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रमण सागर मुनि महाराज की जय। तीन कम नौ कोटि महा मुनिराजों की जय। परम पूज्य मुनि सूत्र निस्वार सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। एक नगर में एक राजा बहुत बार प्रयास करने के बाद भी प्रवेश नहीं कर पा रहा था। वह राजा उस नगर में जाकर अपना आधिपत्य, अपने साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था, परंतु बहुत बार प्रयास करने के बाद भी वह उस नगर में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। कारण क्या था? तो कारण कुछ और नहीं था, केवल इतना ही था कि जो उस नगर का राजा था, जो अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह किया करता था और उनके सुख दुख में सहभागी हुआ करता था, उसने पूर्व से ही यह सोच के रखा था कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई मेरे इस सुंदर राज्य पर आक्रमण करेगा और मेरे राज्य को हत्या लेगा या अपना आधिपत्य जमाएगा। तो उसने उस राज्य की रक्षा के लिए पहले से ही नगर के बाहर चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ खुदवा के रखी थीं। उसमें हजारों सेनाएं समाहित हो जाती थीं, इस प्रकार की वो बड़ी बड़ी खाइयाँ थीं, बड़े बड़े परकोटे बना के रखे थे ताकि उनके ऊपर चढ़कर भी कोई नगर में प्रवेश नहीं कर सकता है। बड़े बड़े दरवाजे बना के रखे थे और उनके ऊपर सैनिकों को, पहरेदारों को भी बैठा के रखा था कि उसके द्वारा भी कोई उनके दरवाजे से प्रवेश नहीं कर सकता था और इस प्रकार से वह अपने राज्य की रक्षा किया करते थे। उसी प्रकार से आगम में भी मुनि महाराजों के पापों की रक्षा करने के लिए हमारे लिए तीन गुप्तियाँ प्रदान की गई हैं, जो परकोटे का या उस खाइयाँ का काम करते हैं, जिनके माध्यम से दूसरे जो बुरे विचार और भी राग द्वेष परिणाम अंदर जो विवाह परिणाम हुआ करते हैं हमारे अंदर, उस मनोगुप्ति के माध्यम से प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काय गुप्ति, वचन गुप्ति और मनोगुप्ति, ये तीन प्रकार की गुप्तियाँ कही गई हैं और उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई कठिन है तो मनोगुप्ति का पालन करना बहुत दुर्लभ तो नहीं पर कठिनतम अवश्य है। और दुर्लभता इसलिए भी है क्योंकि हर प्राणी को यह वस्तु उपलब्ध नहीं होती, विरले मनुष्यों को ही मनोगुप्ति के पालन करने का सौभाग्य मिला करता है। मैं प्रतिदिन रोज़ देखता हूँ कि जब प्रवचन होते हैं या कमरे में हमारे बड़े महाराज विराजमान रहते हैं तो अपने उस मनोगुप्ति में ऐसे लीन हो जाते हैं जैसे साक्षात चाहे तो भगवान की मूर्ति बेदी में दर्शन कर लो और चाहे उनके साक्षात दर्शन कर लो, दोनों में एक सा ही मुझे प्रतिभाषित हुआ करता है। तीन प्रकार के योगों का जो सम्यक निग्रह किया जाता है अथवा मन वचन काय की जो स्वच्छंद प्रवृत्ति है उसको रोकना, उसका नाम गुप्ति हुआ करता है। जो संसार के कारण राग द्वेष मोह आदि हुआ करते हैं उनसे जो हमारी रक्षा किया करते हैं उनका नाम गुप्ति हुआ करती है। मन को
वश में करना और राग द्वेष आदि की प्रवृत्ति को हटाने का नाम मनोगुप्ति है। बुरे संकल्प विचारों से हमारे मन को वहाँ से हटाने का नाम ही मनोगुप्ति है। उस प्रकार वाणी को भी वश में करना, ये भी हमारी वचन गुप्ति है। और काय के माध्यम से जिसको कहें कि जिन सुथर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते हैं, ऐसी कायम स्थिर हो जाने का नाम काय गुप्ति हुआ करता है। हमारे मन के अंदर व्यर्थ के प्रतिदिन कितने संकल्प विकल्प अनर्गल प्रलाप चला करते हैं। जरा सी प्रतिकूलता हुई तो मन अनुकूलता की ओर दौड़ने लगता है। गर्मी पड़ती है तो ठंडे स्थान की खोज चाहता है। गला सूखता है, ठंडे पानी को या पानक को या शरबत को या लस्सी की ओर उसकी चाह बढ़ जाती है। और भी कई प्रकार के राग द्वेष आर्तरुद्ध परिणाम के साथ हमारी चर्चाएं हुआ करती हैं। और इससे भी बच जाएं तो पड़ोसी के यहाँ भी ताक झाँक क्रिया कर लेते हैं कि वहाँ के समाचार क्या हैं, उस घर में क्या चल रहा है, किसके बेटे किसकी बेटी किसका क्या संबंध आदि आदि में हमारा यूं ही दिन निकल जाता है। अगर हम अपना थोड़ा सा उपयोग स्थिर करें, एक घंटे दो घंटे का मौन लेकर भी बैठने का प्रयास करें, तो हम भी मुनि महाराज के द्वारा जो गुप्ति का पालन किया जाता है उसको भी कुछ अंशों में अनुभव करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। एक बार की घटना है, पूर्व अवस्था में माँ ने सुनाई थी, अब कब की कैसी ये स्थान तो पता नहीं, आपको उसमें से सार समझना है कि जिस प्रकार का भोजन हम किया करते हैं उस भोजन में भी अगर माँ उस विशुद्धि परिणाम के साथ भोजन बना के अपने बच्चों को परिवार को खिलाती है तो उसमें भी उसके अंश उस विशुद्धि परिणाम के उनके हृदय में उतर जाते हैं। एक बार की घटना, तीर्थयात्रा पर एक दादा दादी निकले और तीर्थ वंदना करते हुए तीर्थ क्षेत्रों में हफ्ते 15 दिन घर से निकले हुए रास्ते में अपना भोजन पानी साथ में रख के चलते थे। तीर्थ वंदना की वहीं पर आचार्य महाराज का वर्षा युग चल रहा था तो वो दादा दादी भी वहाँ पर पहुँच गए। तीर्थ स्थान की वंदना की, भगवान की पूजन भक्ति की और समय से नीचे आए और अपना भोजन बनाया। क्योंकि पहले स्थान सीमित भी हुआ करते थे, कहीं कमरा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो पेड़ के नीचे ही बसेरा हो जाया करता था। और बर्तन भाड़े तो कुछ दो चार हाथ में ले लिए जिससे काम चल गया, जंगल से लकड़ी बीन लाए, ईंटों का चूल्हा बना लिया, वहीं पर चार टिक्कड़ सेंक ली, दाल बना ली, लौकी का भरता बना लिया, दूध ले आए और अपना काम चल गया, खाए पिए आगे निकल गई यात्रा। जब भोजन तैयार हो गया, दादाजी दूध भी लेके आ गए गौशाला से, क्षेत्रों में उपलब्ध हो जाया करता है, और वहीं पर उन्होंने अपने टिक्कड़ बनाई। दादाजी ने दादी के साथ मिलकर काम किया, तभी उन्हें मालूम हुआ कि आचार्य महाराज का भी यहाँ पर वर्षा योग चल रहा है। मुनि महाराज को आहारदान देने के भाव उनके हुए। उन्होंने सोचा कि पहले हम भोजन करें और साधु सामने हैं, ये तो उचित नहीं है, व्रती हैं, हम बूढ़ों के पास कौन आकर खड़ा होता है, लेकिन भावना होती है। तो उन्होंने कहा अतिथि संविवाह तो कर लें। दोनों दादा दादी खड़े हो जाते हैं पड़गहन करने के लिए वहीं अपने चौके के सामने। पुण्य योग था, आचार्य महाराज का पड़गहन हो जाता है। हर्षातिरेक आंसुओं के माध्यम से गुरु का पाद प्रक्षालन हो जाता वहीं पड़गहन में। हे स्वामिन, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध
मेरी कुटी को पवित्र कीजिए, गृह प्रवेश कीजिए, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। पाद पक्षाला नवदा भक्ति हुई। आचार्य महाराज कहते हैं कि जब भी श्रावक के यहाँ पहुँचो तो ना हमें महल ना अटारी देखना है, बस केवल अपना पाटा, जहाँ पात्र रखा वो स्थान, और जहाँ पे श्रावक को खड़े होकर हार देना, बस इतनी एक सरसरी नगाह डाल लो ताकि वहाँ कोई जीव आदि राशि तो नहीं है आपके अंतराय का कारण बन सकता है। इसलिए जब तक मुद्रा छोड़ेंगे, काय उस्तर करें, भक्ति पढ़ें, जब तक पूजन होती है तब तक नीचे नगाह से सरसरी नगाह डाल के देख लो भैया कि कोई जीव राशि तो वहाँ नहीं है। उन्होंने पूजन भक्ति कर ली। वहीं पर चार बर्तन थे, एक में दूध था, एक में दाल थी, थोड़े सा और सामान था, और एक डिब्बे में 6-7 टिक्कड़ बना के रखी थी। आहार करने को जब आचार्य महाराज खड़े हुए, जब उन्होंने सामान निकाल के दिया तो आचार्य महाराज सरसरी नगाह पहुंच गई। तो नगाह पहुंची तो समझ में आ गया कि डिब्बे में जितना है उतना ही भोजन है, छोटी सी गंजी में दाल है, एक तपेली में भात है, दूध मेरे सामने रखा है और ये टिक्कड़ है, लेने वाले कौन? तो बोले तीन प्राणी हैं, एक आचार्य महाराज, दूसरे वो श्रावक दादा और दादी जी। गुरु महाराज ने पूरे भक्ति भाव के साथ उनसे आहार दान लिया, प्रसन्नता के साथ पूरा गुरु महाराज ने उनको संतुष्ट किया, और अल्प आहार जिसको कहें एक प्रकार से उनोदर किया, और अच्छा पानी पी के आचार्य महाराज अपने हिस्से का भोजन लेके आ गए। पूरा नहीं लिया क्योंकि दादा दादी को भी देना था, अपने हिस्से की 2 या 3 टिक्कड़ खाई, 4 छोड़ दी, थोड़ा सा भात खाया, थोड़ा सा दूध ले ली और अपने पानी पी के आ गए। अन्य दिनों की अपेक्षा भैंस भी आचार्य महाराज के 15-20 मिनट में आहार हो गया। आ गए, इरियापद भक्ति हुई, उसके बाद आचार्य महाराज सामायिक पर बैठे। जब सामायिक में ध्यान लगाया आचार्य महाराज ने, तो काय के साथ तो सुथिर मुद्रा बिल्कुल स्थिर, वचन का भी रुक गया और मनोगुप्ति में लीन होते हुए उस अल्प आहार ऊनोदर के माध्यम से जो वो करके आए थे अपने शरीर का पोषण देने, पेट्रोल दे दिया। उसके बाद आचार्य महाराज ने उस श्रावक की हुए ध्यान, जो हमारे केवल ज्ञान में कारण बनता है ऐसा गुरु महाराज भी कहते हैं, उस श्रावक की उस विशुद्धि परिणाम के द्वारा जो उनको दान दिया गया था, उस आहार की ऐसी विशुद्धि हुई आचार्य महाराज के मन मस्तिष्क में कि कहाँ 1.5-2 घंटे की सामायिक प्रतिदिन हुआ करती थी, उस दिन आचार्य महाराज ने 36 घंटे का उस गुप्तियों के साथ रहकर ध्यान किया, 2 दिन पूरा मौन पूर्वक निकाला, 3रे दिन उन्होंने पारणा की। उस अल्प आहार और ऊनोदर के माध्यम से उस आहार में ऐसी विशुद्धि हुई कि आचार्य महाराज की विशुद्धि भी ऐसी बढ़ी कि 36 घंटे का उन्होंने ध्यान लगा लिया। धन्य ऐसे मुनिगुप्ति, कायगुप्ति और वचनगुप्ति के धारक। आज वर्तमान में हम सब का पंचम काल हुंडा और सर्पणी काल, या इतना कहिए पाप का हमारा इतना आश्रव है कि ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों के दर्शन दुर्लभ हैं, और वर्तमान में आचार्य महाराज की चर्या और उनका उत्कृष्ट तप देखकर आज भी हम अपने आप को धन्यभाग इसलिए मानते हैं। आचार्य महाराज भी स्वयं कहते हैं कि कहाँ ऐसे चांदिधारी मुनिराजों का दर्शन, लेकिन वर्तमान में ये जिह्वा उनका नाम लेके, उनके जयकारा करके भी अपने आप को धन्य मानते हुए कर्म निर्जरा कर सकती है। और वर्तमान में हम सबका तो ये सौभाग्य है कि ऐसे आचार्य महाराज के काल में हमने जन्म लिया, और कहाँ वो दक्षिण से आकर उत्तर भारत में बस गए, और उसमें और भी बुंदेलखंड का सौभाग्य और हम सभी का कि हमको ऐसे आचार्य महाराज की सन्निधि प्राप्त हो गई, और हम उनके चरणानुरागी बनकर हर पल अपने हृदय में उनको बसा कर रखे हुए हैं। भावना भावनाशनी हुआ करती है, आज नहीं तो कल हम सबको उनकी सन्निधि प्राप्त होती रहती है।
होती है और हम उसमें भी अपने आप शांति का अनुभव करते हैं। मन को तो बंदर की उपमा दी है, कभी एक स्थान पर नहीं बैठता, जैसे बंदर डाल पर उछल कूद करता रहता है, कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर, उसी प्रकार यह मन है। लेकिन संयम के माध्यम से, गुप्तियों के माध्यम से मुनिराज उस मन को अपने में समाहित करते बैठे रहते हैं। कहते हैं कि मन की जो गति हुआ करती है, स्पीड ऑफ माइंड, वो तो कितनी है, तो कहते प्रति सेकंड उस मन की गति जो हुआ करती है 22,61,112 किलोमीटर की गति उस मन की प्रति सेकंड हुआ करती है। हर पल आपको वह कुछ ना कुछ निर्देश दिया करता है, परंतु उनमें से एक ही दो को हम पकड़ पाते हैं, शेष तो उस गति में कहाँ विलीन हो जाते हैं। लेकिन मन के द्वारा हम अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते हैं, पांचों इंद्रियों में स्थिरता बने लेकिन मन को बांधना बहुत कठिन हुआ करता है। इसलिए बंदर की उपमा देते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि बंदर को अगर शांत बैठाना है तो उसके लिए भी रस्सी का जो गले में बांधकर बंधन दिया जाता है, फिर वो शांत बैठ जाता है, उतनी दूरी में घूमेगा जितनी दूरी में उसकी रस्सी रहती है। इसी प्रकार मन भी आज नहीं तो कल हमारे अंदर, हमारे अंडर में, हमारी पकड़ में आएगा। बस आप काय से और वचन से स्थिर हो जाएं, मन का भी संकल्प कर लें, तो फिर जीत आपकी होती है। क्योंकि मन के हारे हार और मन के हारे जीत हुआ करती है। उस मन को हम अपने आत्मा में, अपने आप में समाहित करके बैठे तो हैं, लेकिन मन के अनुसार काम करते जाएंगे तो कभी भी मन के जीत नहीं पाएंगे। मन को जीतना है तो आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा हाइको दिया कि मन को ठंडे बस्ते में रखना ही मोक्ष मार्ग है। और उस ठंडे बस्ते में मन को रख दिया, पर अपने आप के द्वारा जो हम कहेंगे वो मन को करना पड़ेगा। तो एक दिन आप भी मनोविजय बन जाएंगे, आपके मनो अनुकूल आज्ञाएं मिल जाएं, ये भी संभव नहीं हुआ करता है। क्योंकि जो भी मनुकूल आज्ञा दे उनका भी संविधान हुआ करता है। आचार्य महाराज से आप चाहें कि मेरे अनुकूल मुझे आज्ञा मिल जाए, मेरे अनुकूल मुझे प्राश्चित आदि मिल जाए, कोई बड़ा दंड ना मिले, तो आचार्य महाराज उसमें कभी कोई रियायत नहीं करते। वो तो ये कहते हैं कि जो संविधान में लिखा है उसी के अनुकूल ही हम आपको दे सकते हैं, अब आप चलो या ना चलो ये आपके ऊपर है। तो मनो अनुकूल भी वो आज्ञा नहीं देते हैं, वो तो आगम के अनुसार चलते हैं, चलाते हैं, और अपने आप को आगम की कसौटी पर रखते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं। तभी तो सारा देश, सारा विश्व आज उनके कदमों में नतमस्तक हो जाता है कि धन्य है वो मनुगुप्ति के धारक मुनिराज, जिनके दर्शन तो दुर्लभ हैं पर उनकी प्रतिरूपति आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महाराज के रूप में हम सबके बीच विराजमान हैं। और हम सबका यह पुण्य एवं सौभाग्य कि हम चरणों में रहकर उनके साथ अपनी जीवन यात्रा करते हुए समाधि संलेखना को धारण करें और उनके चरणों में अपने आप को धन्य करके जीवन धन्य करें। क्योंकि कहा है दोषवादी शमोनम, किसी के दोष अगर दिख जाते हैं तो व्यक्ति की फितरत हुआ करती है कि जब तक उसे दो चार लोगों को ना बता दें उसके लिए शांति नहीं मिला करती। जबकि कहा गया है कि दोषवादे च मौनम, अगर दोष आपको दिखते हैं तो मौन हो जाइए, दूसरों के तो केवल गुणों को ग्रहण करना है, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। ऐसा हम पढ़ते भी हैं, पढ़ना नहीं लिखना भी है, जीवन में उतारना भी है। अगर कह सकते हैं तो दूसरों के गुणों को ही कहें, अपने दोषों को उद्घाटित करें, ये भी बहुत बड़ी बात हुआ करती है। परंतु हम अपने दोषों को छुपा जाते हैं और दूसरों के दोषों को बहुत बड़ा चढ़ा कर कह देते हैं। एक बार तीन विद्वान इकट्ठे हुए, सम्मेलन था, प्रारंभ होने में समय था, तो तीनों विद्वान आपस में चर्चा करने लगे।
और ये बहुत कम हुआ करता है कि जब कोई विद्वान विद्वान से मिले और अपनी कमजोरी बता दे। तो उन्होंने यही विषय रखा कि भैया बहुत दिन बाद मिले, आज अपन अपनी कमजोरी बता देते हैं कि मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है कि मैं जब तक तंबाकू को मुंह में ना रखूं तब तक मुझे प्रवचन देने का मूड ही नहीं बनता है, और जब मैं अब तंबाकू मुंह में रख लेता हूं उस प्रकार जब प्रवचन करने का मूड बनता है तो ऐसा प्रवचन करता हूं कि सारी जनता भाव विभोर हो जाती है, परंतु मेरी ये सबसे बड़ी कमजोरी है, मेरी सबसे बड़ी बुरी आदत है कि मैं तंबाकू को नहीं छोड़ पाता हूँ। दूसरा विद्वान कहता है कि क्या बताऊँ, मैं जितनी अधिक त्याग की बात करता हूँ उतने ज़्यादा मेरे अंदर विलासिता आती जाती है, मैं जितना लोगों को उद्बोधन देता हूँ त्याग के लिए प्रेरणा देता हूँ उतनी उतनी ज़्यादा राग द्वेष की त्याग की परिणति मेरी विलासिता मेरे अंदर भरती जा रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। दोनों विद्वान की बात हो जाती है कि तीसरा विद्वान उसी समय अपना पेट पकड़ता है और भागने लगता है, तो दोनों विद्वान उसको रोकते हैं कि भैया आप भी तो चर्चा में शामिल थे, आप अपनी कमजोरी भी तो बताओ, आप क्यों पेट पकड़ के भाग रहे हो। तो तीसरा विद्वान कहता है कि मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है कि मैंने आप लोगों की कमजोरी सुन ली, और जब तक मैं किसी दो चार लोगों को ना सुना दूँ तब तक मेरे पेट में दर्द होता रहता है, मैं इस दर्द को नहीं सहन कर पा रहा हूँ, इसलिए दूसरों को बताने के लिए अभी बाहर भाग रहा हूँ, उसके बाद समझ लेंगे जब मिलेंगे बाद में। तो इस प्रकार ये व्यक्ति की फितरत हुआ करती है, इसलिए इसमें व्यक्ति को दूसरों के दोष ना देखते हुए उनके गुणों को ही उद्घाटित करें, उनके गुणों को ही ग्रहण करें, दोष जहाँ देखें वहाँ मौन रहें, क्योंकि बहुत बोलने वाले घुंघरू पग में पहने जाते हैं और मौन धारण करने वाले मोती मस्तक पर चढ़ जाते हैं। इस प्रकार से हम सबके जीवन में मनुगुप्ति का प्रादुर्भाव हो, हम सबके जीवन में इन गुप्तियों की पालन से पापों से मुक्ति हो, पाप का आश्रय रुके, कर्म की निर्जरा हो, इस मंगल भाव के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की